खुसरोवाला की अदालत का परवेज इलाही को करप्शन के दो मुकदमात में बरी करने का हुक्म। एंटी करप्शन ने एक और केस में दोबारा गिरफ्तार कर लिया, लाहौर मुंतकिल कर दिया गया। अदालत ने पुलिस की 14 रोजा रिमांड की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया था, जो बाद अज़ां सुना दिया गया। परवेज इलाही का कहना था कि रात भर खराब तरीन हवालात में रखा गया, अदविया भी नहीं दी गई। यास्मीन राशिद जना हाउस हमला केस से बरी। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने जना हाउस हमला केस में गिरफ्तार पीटीआई रहनुमा यास्मीन राशिद को रिहा करने का हुक्म दे दिया। अदालत पीटीआई पंजाब की सदर डॉक्टर यास्मीन राशिद को केस से डिस्चार्ज करते हुए रिहाई का हुक्म दिया। पुलिस दोबारा अपने साथ ले गई। जहांगीर तरीन से सियासी मुलाकातों और रबतों का सिलसिला मजीद जोर पकड़ गया। नई सियासी जमात की तश्कील के मामलात फाइनल राउंड में दाखिल हो गए। ओन चौधरी और तनवीर इलियास समेत अहम रहनुमाओं की मुलाकात। मुजफ्फरगढ़ से नियाज खान गश्कोरी ग्रुप में शामिल हो गए। मुस्तकबिल के लाहे अमल पर तबादला ख्याल किया। तनवीर इलियास ने मीडिया से गुफ्तगू में साथ चलने का इशारा दिया। IMF ने कह दिया है पाकिस्तान डिफॉल्ट नहीं होगा। वजीर खजाना इसहाक डार की यकीन दहानी कहते हैं कोशिश है कर्जों की अदायगियां वक्त पर करें, डिफॉल्ट की तारीखें देने वालों को शर्म आनी चाहिए। एतराफ़ किया सियासी अदम इस्तेहकाम मईशत का सबसे बड़ा दुश्मन है, महंगाई की वजह से आवाम मुतासर हुए। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने ऑडियो लीक कमीशन के खिलाफ दरख्वास्तें समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। चीफ जस्टिस बंदियाल की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच 6 जून को समाअत करेगा। रजिस्ट्रार ऑफिस ने तमाम फरीकैन को नोटिस जारी कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तुर्किया में मसरूफियात। मामून दख्तसा दरज तैयब अर्दवान की तकरीब हल्फ बरदारी में शरीक हुए। अलबिराक ग्रुप के अहदेदारों से मुलाकात की। टर्किश ग्रुप ने पाकिस्तान में बड़े मनसूबे लगाने के अज़्म का इज़हार किया, जिनमें कम लागत रिहायशी मनसूबे, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, फजले से बिजली बनाना और ट्रैक्टर की सनत में सरमायाकारी शामिल है। जस्टिस फायज ईसा के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त, एतराज़ात की कॉपी बोल न्यूज़ ने हासिल कर ली। एतराज में कहा गया है दरख्वास्त में सेकेंड लॉयर्स स्कैंडलाइज करने वाली जबान इस्तेमाल की गई, जो नाकाबले कबूल है। दरख्वास्त गुजार वाज़ह नहीं कर सका अदालत के किस हुक्म के खिलाफ वर्जी हुई। बाद नजर में कमीशन ने कार्रवाई से रोकने के हुक्म पर अमल दरामद किया। और भारत ने खेल के मैदान को भी सियासत में झोंक दिया। पाकिस्तान में एशिया क्रिकेट कप का इनेकाद बदस्तूर खदशात से दोचार। श्रीलंका भी मेजबानी के लिए तैयार। भारत ने पाकिस्तान का फॉर्मूला कबूल ना किया तो वर्ल्ड कप के लिए भारत जाकर खेलना मुश्किल होगा। PCB का मौका। इंतजार था ना, चलो इस बार वो करते हैं जो इससे पहले किया ही नहीं। किस्मत की आंखों में आंखें डाल के जीतना होगा। सब में शेर जैसी जर्रा जर्रा भी हर कंटेस्टेंट को लगेगा वहां। लड़खड़ाना नहीं है, खोल दो अपने पंख अगर आसमान छूना। अबे लग रहा है ये सब पहले भी कहीं सुना है। एंटरटेनमेंट की गारंटी जनाब, क्योंकि यहाँ खेलोगे कूदोगे तो बनोगे नवाब। खुश रहो पाकिस्तान, खुश रहो पाकिस्तान।